आज हम पत्ता गोभी का पकौड़ा बनाए हैं। यह पकौड़ा काफी क्रिस्पी होता है और अंदर तक कुरकुरा होता है। आप इसको गर्म खाएं या ठंडा खाएं, यह खाने में काफी कुरकुरा और मजेदार लगता है। आइए देखते हैं कि पत्ता गोभी का पकौड़ा कैसे बनेगा। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी सीख। आज हम पत्ता गोभी का कुरकुरा पकौड़ा बनाए हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल बटन को टच करना ना भूलें, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। यह हम एक छोटा पत्ता गोभी का आधा भाग लिए हैं। इनको हम बहुत ही बारीक पतले पतले लंबे टुकड़ों में काटेंगे। जितना लंबा पतला स्लाइस रहता है, उतना ही पकौड़ा हमारा लच्छेदार और कुरकुरा बनता है। इसलिए इनको हम पतले लंबे स्लाइस में काटेंगे। पत्ता गोभी को हम बहुत ही पतले लंबे टुकड़ों में काट लिए हैं और इनको बाउल में डालेंगे। सभी को बाउल में डालने के बाद इसमें हम 2 बड़ा चम्मच बेसन डालेंगे और इसमें हम 2 बड़ा चम्मच चावल का आटा डालेंगे। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप सूजी को पीस कर डालें और इसमें हम ग्रेट किया हुआ 1 चम्मच अदरक डालेंगे और ग्रेट किया हुआ 1 चम्मच लहसुन और इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बारीक कटा हुआ हरा मिर्चा डालेंगे। और मसालों में इसमें हम 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच गर्म मसाला और आधा चम्मच जीरा पाउडर और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डालेंगे और इन सबको हम हल्के हाथ से मिला लेंगे, जिससे बेसन और मसाला सभी लच्छों में आराम से मिल जाए। तब इसमें हम 2 बड़े चम्मच गर्म ऑयल डालेंगे, जिससे पकौड़ा हमारा अंदर तक क्रिस्पी बनेगा। और इनको हम मिला लेते हैं। पकौड़ा को क्रिस्पी बनाने के लिए चावल के आटा के जगह आप सूजी या कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं। इसमें हमें बेसन ज़्यादा नहीं डालना है, हमें हल्का बाइंडिंग होने तक ही बेसन का मात्रा रखेंगे। और इसमें हम 2 चम्मच पानी डालेंगे और इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। नमक और पानी की वजह से यह नरम होने लगते हैं और हल्का बाइंडिंग की तरह यह बन जाते हैं। अगर इसमें बेसन का मात्रा कम लगे तो आप और डाल सकते हैं। कुछ देर मिक्स करने के बाद यह अच्छे से बाइंड होने लगा है। इस तरीके से पकौड़ा हमारा तैयार है। आइए इनको हम बनाते हैं। इसमें हम ज़्यादा बेसन का मात्रा नहीं रखेंगे। पकौड़ा बनाने के लिए इनको हम ज़्यादा टाइट हाथ से दाब कर गोल नहीं करेंगे। इनको हल्का ही हम पकौड़ा बनाते हैं, जिससे लच्छे हमारे अलग रहें और यह अंदर तक काफ़ी क्रिस्पी बने। हाई फ्लेम पर गर्म ऑयल में हम पकौड़ों को डालेंगे और फ्लेम को मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पर ही इनको हम तलते हैं, जिससे यह अंदर तक क्रिस्पी बने और अच्छे कलर में आ जाएं। अगर हम हाई फ्लेम पर तलेंगे तो यह जल्दी ब्राउन हो जाएंगे और अंदर तक क्रिस्पी नहीं बनेंगे। इस तरीके से हम मीडियम फ्लेम पर इनको उलट पलट कर तल लेते हैं। ये पकौड़े बहुत ही जल्दी क्रिस्पी हो जाते हैं। जब यह क्रिस्पी और ब्राउन कलर में हो जाएंगे तब इनको हम छान कर निकाल लेते हैं। छानते समय इनके एक्सेस ऑयल को हम किनारों पर रख कर अपने प्लेट में निकालेंगे। इस तरीके से यह पकौड़ा हमारा काफ़ी क्रिस्पी बनता है और ठंडा हो जाने पर भी यह अंदर तक क्रिस्पी लगता है और खाने में मज़ेदार लगता है। आप इसको केचप के साथ या किसी भी मनपसंद चटनी के साथ खा सकते हैं।